सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। तो आज हम आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में गर्भवती से धात्री में किस प्रकार से ट्रांसफ़र करते हैं यानी माइग्रेट करते हैं उसके बारे में आपको यहां पे बताने वाले हैं। जैसे कि यहां पे जो बेनिफिशरी वाली कैटेगरीज आप लोग देख रहे हैं, यहां पे गर्भवती महिला का कैटेगरी है और यहां से डिलीवरी होने के बाद जो स्तनपान कराने वाली महिलाएँ हैं उसमें हम लोग उस लाभार्थी को कैसे भेजेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हम कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। किस प्रकार से आप लोग गर्भवती से धात्री में ट्रांसफर कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे बच्चों का जो नाम है वो कैसे ऐड कीजिएगा, पूरा प्रोसेस देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पे करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के कंटेंट अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप पे आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ पे जो गर्भवती महिलाओं की कैटेगरी है उसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो यहाँ पे गर्भवती का डिलीवरी हो चुका है यानी जिस भी लाभार्थी के यहाँ पे डिलीवरी हो चुका है उसके आगे यहाँ पे 3 डॉट आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस 3 डॉट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, तो इस वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर दिया गया है डिटेल्स कि अगर मान लीजिए किसी गर्भवती महिला का गर्भपात हो जाता है या उसका बच्चा मृत जन्म पैदा होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों को ये ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। और जैसे ही गर्भवती महिला की डिलीवरी हो चुकी है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसको सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको डिलीवरी की तारीख का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कैलेंडर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जिस तारीख को उस लाभार्थी का डिलीवरी हुआ है उस तारीख को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यानी कि उस डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस डेट को बच्चे का जन्म हुआ है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, विस्थापित वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही विस्थापित वाले पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा क्या आप वाकई इस लाभार्थी रिकॉर्ड को स्तनपान कराने वाली मां श्रेणी में माइग्रेट करना चाहते हैं, तो जी बिल्कुल यहां पे करना चाहते हैं, तो यहां पे ठीक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ठीक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि जो लाभार्थी है वो स्तनपान कराने वाली महिलाओं में चली गई है और वहाँ पे बता रहा है कि जो बच्चे हैं उसका यहाँ पे पंजीकृत यानी उनका जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे भर देना है। वो ऑटोमेटिक ही जो बच्चे वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली उस बच्चे का नाम आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। यहाँ पे उसका आधार कार्ड नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, हेल्थ आईडी भी छोड़ देंगे, जन्म की तारीख यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि वो लड़का हुई है या लड़की हुई है, यहाँ पे आप मेल फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद उस बच्चे का जन्म के समय जो वजन है उसको यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे उस बच्चे का सेंटीमीटर यानी हाइट डालेंगे। तो सारा प्रोसेस हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने उस बच्चे का सारा डिटेल्स भर लिया है। डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। देखिए, जैसे ही सबमिट करेंगे तो रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बच्चे का भी एंट्री है यहाँ पे हो चुका है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप लोग गर्भवती महिला से धात्री महिला में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बच्चे का भी आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो स्तनपान कराने वाली कैटेगरी है यहाँ पे वो जो जिसको हमने अभी माइग्रेट किया है वो यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जिस बच्चे का हमने रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे उस बच्चे का भी नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर यहाँ पे आपको नाम ऐड नहीं दिखाई देता है तो ये जो रिफ्रेश वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं इस पर आप लोग एक बार क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे उस बच्चे का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी लाभार्थी को जो गर्भवती महिला से धात्री महिला में भेजना है तो आप लोग आसानी से स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से आप लोग आसानी से भेज सकते हैं।
तो उम्मीद है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप के रिगार्डिंग कोई भी मन में सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।